देखो दोस्तों, ये है जैक की 804D। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि ये मशीन ऑयल नहीं उठा रही है। जब से इसमें ये एक्चुअली हुआ क्या था, इसका ना बोर्ड ख़राब हो गया था। तो ये भाई साहब हमारे हैं, इन्होंने बोर्ड रिपेयर कराया, उसके बाद से ही मशीन ऑयल नहीं उठा रही है। ठीक है, तो अभी हम इसे चेक करते हैं ये ऑयल क्यों नहीं उठा रही है। अच्छा, एक तो ये होता है कि जैसे बोर्ड रिपेयर हो कराया, उसके बाद क्या है, मशीन में कई बार फैक्ट्री सेटिंग कर देते हैं तो मशीन की रोटेशन चेंज हो जाती है। लेकिन देखो इस मशीन की क्या रोटेशन ठीक है ना, जैसी होनी चाहिए वो लोग में वही रोटेशन है, फिर भी ये मशीन ऑयल नहीं उठा रही है। तो हम इसे मैकेनिकली चेक करते हैं कि क्यों नहीं उठा रही है। ठीक है, हालांकि भाई साहब ने इसका फ़िल्टर भी चेंज कर लिया है और ऑयल टैंक भी खोल के साफ़ कर दिया, फिर भी ऑयल नहीं उठा रही है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने देखो हेड खोला इसका ऊपर का, ये देखो यहाँ भी बिल्कुल सूखी पड़ी है मशीन, है ना, बिल्कुल सूखी पड़ी है। चला रहा हूँ मैं लेकिन बिल्कुल ऑयल नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं इसका ऑयल टैंक वगैरह खोल के फिल्टर खोल के चेक करता हूँ कि इसमें है क्या। देखो दोस्तों, ये हमने खोल लिया इसका ऑयल टैंक, ऑयल टैंक देखो, पंप तो बिल्कुल साफ है, ऑयल टैंक भी देखो बिल्कुल साफ है। अब तेल क्यों नहीं उठा रही है, हो सकता है इसके पाइप वगैरह कोई ब्लॉक हो। एक बार खोल के देखते हैं पाइप ब्लॉक है, क्या ब्लॉक है इसमें। ये नीचे वाला पाइप नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये वाला, ये पाइप नीचे से ऊपर जा रहा है, ये आगे सकते हैं, ये भी लीक हो सकती है इसमें, इसकी जो टी जॉइंट है ये, ठीक है, पाइप भी लीक हो सकते हैं। पाइप तो खैर मुलायम ही है, ज़्यादा टाइट नहीं है। देखते हैं खोल के एक बार क्या है इसमें। देखो दोस्तों, मैंने इसका ये ऑयल पंप बाहर निकाला, पाइप तो मेरे को इसके सारे सही लग रहे थे। ये जो पाइप हैं, ये पाइप एकदम मुलायम भी, हार्ड भी नहीं हुए हैं, जो कि चटक गए हो कहीं, एकदम मुलायम है। ये पाइप तो खैर नीचे का, इससे तो ऊपर से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसमें कमी जो हमें मिली है, फॉल्ट मिल गया इसमें हमें। फॉल्ट देखो ये है कि हम ऊपर से, देखो मैं यहाँ से दिखाता हूँ, देखो ऊपर से घुमा रहे हैं लेकिन नीचे जो है पंप मूव नहीं कर रही, देख रहे हो आप। जबकि हम ऊपर गियर घुमा रहे हैं, मशीन चल रही है तो सिर्फ ये गियर घूम रहा है ऊपर से, लेकिन पंप को वर्क ही नहीं कर रही कुछ। ठीक है, तो इसे मैं अब सही कर देता हूँ एक बार टाइट करके, फिर आपको दिखाता हूँ कि देखो ऑयल उठाते हैं। देखो दोस्तों, पंप तो हमने खोली थी, हालांकि वैसे भी हो सकती थी, लेकिन मैंने कहा जो खोली है तो थोड़ा फ्री कर देते हैं। तो देखो ये मैंने इसका पंप की गरारी वगैरह जो है ये मैंने निकाल के एकदम साफ़ कर ली है अभी, क्योंकि इन पर ऑयल जम जाता है ना तो ये थोड़ी टाइट हो जाती हैं। मैंने हाथ से घुमाया था अभी तो टाइट घूम रही थी काफ़ी ये। ठीक है, तो ये पंप है हमारी, पंप तो खैर साफ़ है हमारी, ये भी अब कर दिया एकदम क्लीन। अब इसे हम कर लेते हैं फिट, फिट करके आपको दिखाएंगे, देखो ऑयल उठा रही है कि नहीं उठा रही है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ फॉल्ट हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो मेजर फॉल्ट यही मिला है मेरे को कि इसकी पंप की गरारी खुल गई थी अंदर से, जिसकी वजह से पंप काम नहीं कर रही थी अपना और ऑयल नहीं उठा रही थी। तो दोस्तों, मशीन हमने कर ली है फिट, अब हम डाल रहे हैं इसमें ऑयल। ठीक है, अब ऑयल डालते हैं और फिर देखते हैं चला के कि क्या है कंडीशन। देखो दोस्तों, इस मशीन में हमने पूरी फिट कर ली है। ठीक है, ऑयल ऑयल डाला है, तैयार कर ली है, मैं आपको दिखाता हूँ चला के देखो कितना ऑयल आ रहा है ऊपर। ये देखो, ये स्लो मोशन में ही ये आ गया ना, ये अगर फुल दबा दें छत पर पा रही थी तो पा। ये देखो ये आ रही ना फुल प्रेशर एकदम धड़ान देते हैं। ठीक है जी, तो मैंने आपको इस मशीन में बताया कि भैया ये मशीन अगर ऑयल नहीं उठा रही है ओवरलॉक, मतलब ज़रूरी है कि जैक कोई भी हो सकती है, आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। सबसे पहले आप इसकी रोटेशन चेक करो, उसके बाद इसका ऑयल टैंक खोल के सबसे उसके बाद ये फ़िल्टर चेक कर सकते हो। देखो यहाँ ये फ़िल्टर लगा रखा है हमने। ठीक है, इसका ये फ़िल्टर भी ख़राब था, हमने ये काम किया था ना, ये रहा ये फ़िल्टर, हमने इसका चौक लग रहा था मुझे कुछ, तो मैंने कहा खोली तो चेंज ही कर देते हैं, तो ये फ़िल्टर चेंज कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद हमने इसका ऑयल पम्प चेक करा, तो ऑयल पम्प की गरारी खोली मिली हमें, फिर गरारी खोली तो हमने थोड़ी साफ़ भी कर दी। उसके बाद हमने ये जो पाइप लगे हैं तो मैं कहा चलो ये भी खोल रहे साफ़ कर देते हैं बढ़िया से, इसके भी होल वगैरह सारी एकदम बढ़िया क्लियर कर दिए, और अब मशीन हमने फिट कर ली है। और ये देखो क्या प्रेशर बन रहा है ज़बरदस्त एकदम, ये तो एकदम स्लो स्पीड में, ये तो ये देखो, और अगर गलती से फुल दबा दी ना तो ये भगा देगी एकदम ऊपर छत पर।